उसको बताने में कतराना नहीं चाहिए तो यहाँ मैं एम जी नरेगा की बात को लेता हूँ कि अरसा पच्चीस साल से एम जी नरेगा का काम गाँव में पंचायतों में इलाकों में आते हैं लेकिन डिपार्टमेंट वालों की नींद को जगाने के लिए मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि ये मिली भगत से चाहे बी साहब हो चाहे जे हो चाहे ग्राम से, सेक्रट्री साहब हो इनकी मिली भगत से गाँव में डेवलपमेंट हो रही है ये कौन सी डेवलपमेंट हो रही है ये आप आ, के, आ, 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 आपके सामने ही है तो हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जैसे एमजी नरेगा के रिलेटेड मुझे 25 साल से पच्चीस uh, साल से मैं uh, इजलास में आते जाता हूँ लेकिन काम लिखा रहा हूँ लेकिन काम ग्राउंड पे हमें मिलता नहीं है मैंने एक नया मकान बनाया मेरे मैंने त्रुपाल लगा के वहाँ ढंगा सलाइड हुआ है और वो अभी देखिए जैसे ग्राम सभा बैठाई जाती है कहीं पे ग्राम सभा तो जलास रखा जाता है गवर्नमेंट पंचायत में जो है तो अपने एम्प्लाइज को भेजती है क्या गरीबों की जो है बात सुनी जाए और उनको जो है तो वहाँ पे जो जनवन हो वहाँ पे काम दिया जाए लेकिन जो काम आप लिखाते हैं वो तो आता ही है जो आप ग्राम सभा में जो पास हो जाता है काम वो तो नहीं कैंसिल होता ना कभी इसमें यही है कि ग्राम सभा में जब कोई भी गरीब इंसान जाता है काम लिखाता है लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि ये जब ग्राम सभा में हम काम लिखाते हैं जब ग्राउंड लेवल पे कहीं काम लिख लगता है तो वो काम होते ही नहीं है जो अजलास के दौरान लिखाए है जाते हैं और और दूसरी बात यह है कि एक सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ने मुलाजम रखा है वो हराम खाने के लिए नहीं है उसको ग्राउंड में पूरा चेक करना चाहिए कहाँ काम 2020 में हुआ कहाँ 21 में हुआ कहाँ 23 में हुआ कहाँ 24 में रखना है काम इसके लिए ये खाली गाड़ियों में आते हैं गाड़ियों से ही वापस जाते हैं गाँव में घूमते नहीं हैं इनका काम होता है कि पूरे पंचायत में नज़र मारना कहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है ये चीज़ ये चीज़ नहीं देखते हैं इस चीज़ से मुझे आपके चैनल पे आना पड़ा ताकि यहाँ से मेरी आवाज़ डी सी साहब तक जाए ए डी सी साहब तक जाए बी डी ओ साहब तक जाए एस डी एम साहब तक जाए ताकि इनको आइंदा भी नकेल कसी जाए कि ग्राउंड में काम कैसे करते हैं वैसे करना होने चाहिए एक और भाई भी हमारे साथ यहाँ पे इनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा तो क्यों आपको आपका ये कहना है कि नवाज साहब जो बात कर रहे हैं बोलते हैं कि जो ग्राम सभा में इजलास में काम लिखते हैं वो अब वीडियो आपस में चेंज होते हैं मतलब इनका ये कहना है कि हमने पहले दस साल में ये मेरे सामने एक काम लिखा रहे हैं दस साल साल मुसलसल वो काम लिखा रहे हैं हमारे पास वो एक वो जिसको वो प्लान बनाए हैं हमारे पास प्रूफ है प्रूफ दिखाएंगे कब से लिखा रहे हैं कब से वो डाल रहे हैं लेकिन आगे से वो काम नहीं आ रहे हैं और वो काम आ रहे हैं जिनको ऊपर से ही ये बगैर किसी काम करने के बगैर ही वो वहाँ वो बिल निकालते हैं हम हमारा ये रोना है कि ये कहाँ से किस किस्म की ये डेवलपमेंट होती है क्या बगैर काम करने के भी पैसा मिल जाता है मांग क्या कर और हमें पता नहीं जे आर एस स्कून है मैंने एक डिकेट की यानी दस साल की जो ये मांगी है कि हमें उसका पूरा पूरा ये दीजिए ताकि हमें पता चले कि ये पैसा किसके अकाउंट में जाता है हम रिसेंटली की बात करें तो हम हाँ, अकाउंटेबिलिटी जो है गुड गवर्नेंस में होती है। वेंडर का काम होता है आपको मटेरियल देना जब मटेरियल आपको वेंडर दे दे तो काम करना तो जॉब कार्ड होल्डर भी जो है जॉब कार्ड पे जो आपको पैसा मिलता है वो काम तो नहीं होता आवाम को पता ही नहीं होता कि विंडर कौन है जैरस कौन है और जब हम बताते हैं तो वहाँ दफ्तर में कहते हैं कि आप विंडर से बताओ तो विंडर का हमें पता ही नहीं होता है वो कहाँ से मटेरियल लाता है हमें सिर्फ ज़्यादा स्ट्रेस करता है कि काम करो आपने आप जब काम करोगे आपको मटेरियल का पैसा मिलेगा लेकिन आ, मैं रिसेंटली की बात करता हूँ कि यहाँ देखना कि आप खुद बताएं कि यहाँ कितना परसेंट काम हुआ है जैसे हमारे नवाज़ भाई ने कहा कि घर इनका जो है टूटा है या कैसा है लेकिन अकाउंटेबिलिटी